मैंने उस वक्त कोलोनोस्कोपी वगैरह भी कराई थी इंडोस्कोपी एंड द डॉक्टर फाउंड के मेरे स्टमक में जख्म है और अगर आप इसको टेक केयर नहीं करेंगे सही तरह तो ये अल्सर में बदल सकता है लेकिन वो बस यू नो ग्रेजुअली चीज फिक्स हुई थी फिर पाकिस्तान में एक बड़े बहुत बड़े डॉक्टर उनके पास में गया था एंड ही टोल्ड मी के मुझे यू नो गैस्ट्राइटिस है काफी बुरा फिर उन्होंने मुझे यू नो ये मुझे एसिड रिड्यूसर पे लगाया था एक और दवाई थी मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा खैर वो मैंने खाना शुरू की थी तो आई स्टार्ट फीलिंग बेटर बस ही उन्होंने कहा लाइफ स्टाइल हैबिट करने हैं बेड को थोड़ा एलिवेट करके सोना है फैटी फूड्स फ्राई फूड्स इनको अवॉइड करना है स्पाइसी थिंग्स को अवॉइड करना है और कैफिन <laughs> आई ट्राइड डूइंग दैट फॉर ईयर और जब मैं यूट्यूब से ब्रेक लेता था ना तो आप लोगों को मैं कभी बता नहीं पाता था मैं थोड़ा शर्माता चीज बताने में ना कि मेरे स्टमक इश्यूज इशूज चल रहे इसलिए आई वॉन्सेंटली टेक ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब तीन तीन महीने की मैंने ब्रेक ले ली यूब से चार चार महीने की वो गायब हो गया ना बीच में वो यही था कि आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट माई हेल्थ मोटिवेशन खत्म हो जाती थी फिर इवेंचुअली यू नो थिंगस आर गेटिंग बेटर अब बस ये होता है मुझे की कभी मैंने कोई बहुत गंदा खाना है बहुत स्पाइसी खा लिया ना तो बस मेरा पेट दो तीन दिन के लिए थोड़ा खराब हो जाएगा बट इट विल गेट बैक

अगर आपका केस ना हो ना हल्का सभी के उनको लगेगी ड्रामेबाजी से में आगे, रूम में, तो आपको भेज देते हैं है? तो मैंने करो फिर मुझे ना मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा था तो यू यू यू, यू बुढ़े बाबो चल चल के गाड़ी में गया फिजा ने फिर ड्राइव की हम ई में गए पास बारह मिनट ही था ना तो ये देखो मुन्ना भाई वाला सीन हो रहा है मेरे साथ मैं ई में गया हूँ मैंने कहा कि यार मुझे ना भर्ती कर दो अंदर प्लीज मेरे स्टमक में बहुत दर्द हो रहा है आई नीड सम जो काउंटर okay, for like, बंदा मरीज है थी, थी, है? मरने वाला हो रहा हूँ मेरे से सांस नहीं ले जा रही खड़ा नहीं हो जा रहा मेरे से फॉर्म फिल कर अब मैं यूँ जल्दी से पेन पकड़ के ना यू 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 यू, यू फॉर्म फिल कर रहा हूँ जो जो भी चीज़ आ रही है लेकिन मैं दर्द में हूँ मैं टेन आउट ऑफ टेन वाली पेन हो रही है इंश्योरेंस कार्ड अपना दिखाओ अपना आई डी दिखाओ में ले ली सारे इंश्योरेंस कार्ड आईडी भाई वो सही कहते ना मुन्ना भाई जब पेशेंट फॉर्म फिल करता रहेगा तो अपना इलाज कैसे करवाएगा भाई पहले बिठाओ थोड़ा सा कोई यू you नो know, पेन किलर्स वगैरह लगाओ जब स्टेबल होगी फिर इन्फॉर्मेशन ले लेना ले यार मैं कुछ भागा जा रहा हूँ खैर फिर एक सीट पे बिठाया मुझे जी अपने सिम्टम्स डिस्क्राइब करो मैं हालांकि बता दी शुरू में फिर पेन लेवल बताओ फिर मुझे कह रहे हैं कि गॉल ब्लेडर में स्टोन हो सकते हैं डराई जा रहे हैं मुझे खैर फिर एक नर्स था आदमी ठीक है वो आया मुझे ना वो ड्रिप लगानी होती है ना जब तो आपकी यू नो वेन रग ढूंढ के लगाते हैं ताकि आपको ना पेन किलर वगैरह ना ब्लड स्ट्रीम में दे तो खैर उसने यहाँ पे लगाया तो ना उससे खून ही नहीं निकल रहा उसने ना गलत यहाँ पे लगा दी अब वो इतनी मोटी सुआ होता ठीक है वो उसने यहाँ पे घुसाया है और घुसा के ना यू यू, यू 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 खेल रहा उसके साथ अब मुझे यहाँ पे दर्द हो रही इतनी ज्यादा और मुझे उधर भी हो रही है नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है मैं ना उधर लगा के देखता हूँ अभी मैंने हुडी पहनी हुआ लेकिन अंदर ने बहुत जख्म हुआ है उधर ना उसके बाद ने यहाँ

वो बजना शुरू हो गया लाइक like, मुझे था कि अभी मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा लेकिन मैंने डीप डीप सांस से अपने आप को किसी तरह स्टेबल किया अब आपको चक्कर भी आ रहे हैं और साथ आपका जो स्टमक है यहाँ पे टेन आउट ऑफ टेन पेन हो रही है उसके बाद कहता है चलो मैं तुम्हें ना रूम में लेके जाता हूँ जब ड्रिप ड्रुप लगी ना कैन यू वॉक एंड स्टैंड और रूम भी दो माइल दूर मैंने कहा नहीं भाई व्हील चेयर लेके आओ तो व्हील चेयर पे मुझे वहां पे लेके गया उसके बाद बिठाया फिर उन्होंने अब दर्द हो ही जा रही हो ही जा रही है मोरफिन लगाया ठीक है मोरफिन लगाया तो कहती है आपकी ये सारी ब्लड वेसल्स खुल जाएंगी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा

फिजा ने उस टाइम पे ना मेरी पिक्चर उतारी थी तो जो हंस रहा हो ना वो <laughs> पिक्चर के अंदर वो यही था कि वह फ्रेंट में उन्होंने फुल मुझे ठूस दी थी फिर मैंने वो स्टोरी भी लगाई थी यूं करके ना उसकी भी फिजा ने वीडियो बनाई हुई तो ये भी देखो ज़रा और वो स्टोरी मैं स्टोरी में इसलिए लगा रहा था क्योंकि सारे पूछने लग गए ना पहली वाली स्टोरी के बाद क्या हुआ क्या हुआ ओके फिर मैंने बताया कि यार डॉक्टर आया कमरे में उसने ना मुझे डायग्नोज करके मुझे लग रहा था कि मुझे पेनक्रियास का मसला है पेनक्रियाटिस कहते हैं कि जब अपर स्टमक में मसला होता है तो पेन बैक में रेडिएट करती है लेकिन उन्होंने जब ब्लड वर्क लिया तो उन्होंने कहा पैनक्रियास का मसला तो नहीं लग रहा हमें और गॉल ब्लैडर भी तुम्हारा कंप्लीटली नॉर्मल है तुम्हारे स्टमक का अल्सर का इशू है तो फिर वही उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किए एंटी एसिड वगैरह वही बुलशेट सारी जो मेरे ऑलरेडी पड़ी हुई थी फिर फिजा मुझे रात सुबह के पाँच छः बजे घर लेकर आ रही है वापस मैं दो दिनों से सोया भी नहीं था तो उसने मुझे डॉक्टर ने यह भी कहा था कि यार तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस वेस ज्यादा है इसलिए ट्रेगर हुआ है मैंने कहा हाँ है तो सही उसने कहा था तुम सो नहीं रहे सही तरह मैंने कहा हाँ उसने कहा क्या करते रहते हो तो? मैंने कहा भाई काम करता हूँ अपना यूट्यूब करता हूँ फॉर द पास्ट थ्री मंथ आई बिन लाइक जिस नॉन नॉट टेकिंग रेस्ट बस लगाई जा रहा हूँ लगाई जा रहा हूँ इनफैक्ट अभी मैं हॉस्पिटल से अपनी रील्स अपलोड कर रहा था जब मन स्टार्टेड फीलिंग अटल बेटर ना वो जो मैंने लगाई है कल वाली और आज भी लगाई है मैंने रील्स अपलोड की इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी लगा रहा हूँ तो उसने कहा था भाई ये थोड़ा इजी लो ये तुम तो अपने आपको बहुत पनिश करो ठीक है क्योंकि स्टमक जो होता है ना उसको भी रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को ओवरऑल स्लीप की जरूरत होती है ओवरऑल स्ट्रेस रिड्यूज करना होता है बॉडी में अगर स्ट्रेस आपका रिड्यूज नहीं होगा तो स्टमक पे असर करता है बिकॉज स्टमक इज लाइक यूर सेकंड ब्रेन मैंने कहा बात तो सही कर लेकिन बॉस बहुत मुश्किल है यार अब हम ग्राइंड में आ गए हैं तो अब इसको किसी तरह तो दवाइयों से सही करेंगे और आगे चलेंगे रेस्ट तो नहीं ले सकते कोशिश मैं करूँगा ठीक है इसलिए मेरी वीडियोज ऑन एंड ऑफ आज आ रही हैं क्योंकि यही मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं फिर मुझे डॉक्टर ये भी कहता है कि यार स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी और चाहे कैफीन बिल्कुल लिमिट कर देनी है आप ये चीज स्पाइसी नहीं चीज खा सकते ये चीज नहीं खा सकते ये तो फिर जीना ही छोड़ दो बिल्कुल ही सारी मजे की चीजें डॉक्टर ने खत्म कर दी अल्लाह कर ये सिचुएशन बेहतर है वरना ओए होए होए व्लॉग्स के अंदर कौन करेगा बस मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भी कोई हेल्थ इशूज मेडिकल इशू से गुजर है इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड देखो अल्लाह अपने फेवरेट लोगों को अंदर और uh, काफी लोग मुझे कह रहे हैं नजर भी लग सकती है यू you नो know, आज कल तुम uh, मतलब कि काफी ज्यादा आ रहे हो लोगों की नजरों यार नजरें हम हम गरीबों को नजरें लगती है अंबानी क्यों नहीं लगती इतनी बड़ी बड़ी शादियां करा के लोगों ने कहा था अपना सदका वगैरह दो वो तो मैं देता रहता हूँ सदका जकत आई गिव आई एम वेरी डोनेशन वो तो अपने दिल से भी देता हूँ जस्ट इस्लामिकली इस्लामिकली तो देना चाहिए लेकिन गरीबों की लोग आते तो जाते हैं। लेकिन अमेरिका की जो डाइट है ना बहुत फक्ट अब डाइट है ठीक है पाकिस्तान में आप गंद कूड़ा बला जो भी खा लेते थे ना वो चीज नस्ली होती थी फॉर एग्जाम्पल मुर्गी की दुकान पर जा रहा था आपके सामने जिब्बा करके मुर्गी डाल है फ्रेश मुर्गी होती थी यहाँ पे आप जाते हो उसके अंदर उन्होंने

भी इससे ज्यादा भी खा लेता था ना मैं पतला ही रहता था ठीक है लेकिन अमेरिका में ना आप थोड़ी सी डाइट खराब कर दो ना यू मोटे होना शुरू हो जाते हो क्योंकि हर चीज में कॉर्न सिरप है हर फ्रुक्टोस डा हुआ है हर चीज़ में लाइक वेजिटेबल ऑयल्स है इसलिए पे ऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट है ना वो शुरू ही अमेरिका में हुआ क्योंकि या तो आप हमारा नॉर्मल प्रिजर्वेटिव वाली चीज ले लो या आपको हम ऑर्गेनिक देंगे और ऑर्गेनिक क्या होता है बेसिकली ऑर्गेनिक बस ये होता है कि इट्स मोर फ्रेशन द रेगुलर स्टफ क्लेम इज नो लाइक और नो लाइक वगैरह लेकिन आई डाउट दैट

मामू के घर उस पर बनाऊंगा मैं उसके बाद फिर जो चीप स्टोर वाली मैंने बात नहीं की थी एमेजोन का वो अब लगाएंगे तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लॉग इनशाला